विदेशी सांपों की तस्करी करने वाली महिला को टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। महिला के पास से विदेशी नस्ल के 28 सांप बरामद किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के जमशेदपुर में नीलांचल एक्सप्रेस में विदेशी सांपों की तस्करी करने वाली महिला को टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया है। यात्रा कर रही महिला के पास से कई सांप और जीव जंतु बरामद किए गए। आरोपी महिला के मुताबिक इन सांपों के जहर का इस्तेमाल नशीले पदार्थ बनाने में किया जाता है। टेलीविजन से एक खबर मिला था कि एक सस्पेक्टेड हैं जो कि नीलांचल एक्सप्रेस में ट्रेवल कर रही हैं, उनके पास कुछ सांप, तो इस खबर के बाद में हमारे स्टेशन पे नीलांचल एक्सप्रेस आने के बाद में आरपीएफ को टाटा फ्लाइंग टीम, सीआईबी टीम और जीआरपी वालों ने चारों ने मिलकर पूरे ट्रेन पे गहनता से जांच की। इस दौरान उस महिला को पाया गया और जो सामान उसके पास था उसको जब जांच किया गया तो उसमें कुछ सांपों का होना पुष्टि हुआ। वहीं महिला के पास से बरामद सांपों की पहचान के लिए जिस स्नेक एक्सपर्ट को बुलाया गया था उसने बताया कि महिला ने बैग में अलग अलग नस्ल के विदेशी सांपों के अलावा छोटी शीशी में मकड़ी और जहरीले काले कीड़ों को भी रखा था। इनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है।